उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में पीलीभीत नगर पालिका परिषद में विजयी अध्यक्षा आस्था अग्रवाल को हजारों कार्यकर्ताओं एवं जनपद वासियों के समक्ष गांधी स्टेडियम सभागार में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन चौधरी, गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय गंगवार, प्रभारी मंत्री बलदेव औलक उपस्थित रहे। इस नगर पालिका परिषद पीलीभीत की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता इस नगर पालिका परिषद पीलीभीत की सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। आस्था अग्रवाल जी, एक बार मेरा आप सबसे आग्रह है कि डॉक्टर आस्था अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए तालियां, आपका स्वागत अभिनंदन। इस चुनाव में आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर आस्था अग्रवाल को चुना है। ये पीलीभीत की सम्मानित जनता ने एक ऐसा काम यानी विकास को चुना। नगर पालिका का चुनाव बेसिक जो जनता की नीड्स है उसका चुनाव है, नाली का, फड़ंजे का, सड़क का, पानी का, पेंशन का, आम गरीब दुनिया की जो बेसिक नीड्स है उन बेसिक नीड्स में कई विधायक को शायद उतनी बार फोन न किया जाए, सांसद को तो बिल्कुल ही 20% लोग ही फोन करते हैं, लेकिन नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो उसके पास सारे लोगों को अपनी बेसिक नीड्स के लिए सभासद और नगर पालिका के माध्यम से यहाँ की जो सामान्य जरूरतों की बात है उसको आसानी से पहुँचा सकते हैं। आप सब लोगों ने भाजपा के कैंडिडेट को चुना है, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो विश्वास वो निश्चित रूप से पीलीभीत में खरा उतरेगा। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीते, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी सरकार का एजेंडा है विकास, हमारी सरकार का प्राथमिकता में है कि हम आदमी की जो बेसिक जरूरतें, जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए सरकार काम कर रही है, जिसको कि हमें नगर पालिका का चेयरमैन जीत सके। हमारा वोटर बहुत है, सब चीज ठीक है, तो हम हार क्यों रहे हैं? हमने कोशिश करके एक अच्छा, आप लोगों ने एक अच्छा उम्मीदवार दिया और उस पे माननीय भूपेन्द्र सिंह जी ने, अध्यक्ष जी ने, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर मोहर लगाने का काम किया और यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेज दिया और उसके बाद जनता ने पूरा भरपूर समर्थन, पूरा ताकत के साथ लग के आस्था जी को चेयरमैन बनाने का काम किया, क्योंकि आस्था जी को लोग देख रहे थे कि उसने विचार सजाने और सजाने का काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरी सरकार के, मेरे पास सरकार का तो काम तो है नहीं, मेरे पास तो पार्टी का काम, लेकिन मैं अपने मंत्रियों से, अपने सभी माननीय विधायकों से, सभी से अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पीलीभीत के विकास के लिए जो जो आवश्यकता है, प्रभारी मंत्री जी भी है, जो जो आवश्यकता है जितनी जल्दी हो सके प्रस्ताव बना। यहाँ भगवान शंकर जी का स्थान गौरी शंकर धाम, ऐसी पावन भूमि पर अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों का पीलीभीत जनपद की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसे आप सभी ने सहयोग के लिए इस चुनाव को में परचम लहराया भाजपा का, उसी तरह मुझे उम्मीद है कि आपके सब्र और सहयोग से पीलीभीत में जो विकास की गंगा हम बहाना चाहते हैं वो हम जरूर बहाएंगे, क्योंकि ना जमीन चाहिए, ना आसमान चाहिए, ना शौहरत चाहिए, ना नाम चाहिए, विकास का इतिहास रच देंगे पीलीभीत में, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए।
इस मंच से आप सबसे ये पुनः आग्रह करती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आप सबके आशीर्वाद से ही हम आगे